देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। रोहित गुरुनाथ शर्मा प्यार से फैंस इन्हें हिटमैन के नाम से बुलाते हैं। 13 सालों से ये खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में राज कर रहा है, पर हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इस खिलाड़ी ने अपने दिल का हाल बयां किया। रोहित ने कहा कि अब खेल को लेकर उनकी सोच बदल गई है। इंटरव्यू के दौरान रोहित ने क्रिकेट, करियर और परिवार जैसे कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। 2019 रोहित शर्मा के करियर का सबसे अच्छा साल रहा। इस साल रोहित ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वो धाक छोड़ी जो बड़े से बड़े बल्लेबाज नहीं कर पाए, पर 2019 में कई ऐसी भी बातें हुई जिसका मलाल रोहित शर्मा को अभी भी है। दरअसल टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबले से पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया पूरी तरह बिखर गई। और उसी दौरान रोहित शर्मा इंग्लैंड से पत्नी रितिका और बेटी समायरा के साथ वापस आ जाते हैं, जबकि टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी टीम के साथ वापसी करते हैं। ऐसे में उस वक्त कई खबरें आई थी कि रोहित टीम के खिलाड़ियों से नाराज होकर स्वदेश लौट आए, और तो और ये भी खबरें आई थी कि टीम इंडिया के किसी खिलाड़ी ने दिए गए तय वक्त से ज्यादा अपने परिवार को अपने साथ रखा, जिसको लेकर रोहित ने इंटरव्यू में खुलकर बात की। रोहित ने इस पर बात करते हुए कहा कि परिवार के साथ होने से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है, पर जब आप खबरों में अपने परिवार के बारे में पढ़ते हैं तो काफी दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि परिवार का उन सबसे कोई लेना देना नहीं होता। जिसको जितनी बातें करनी मेरे बारे में करे, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं होगी, पर जब आप परिवार के बारे में बेवजह बेफजूल की बातें करते हैं तो उस वक्त गुस्सा भी आता है, जो लाजमी है। दरअसल वर्ल्ड कप के दौरान खबरें आई थी कि रोहित ने ही परिवार को तय वक्त से ज्यादा अपने साथ रखा, जिसको लेकर वो उस वक्त काफी दुखी थे। ब्यूरो रिपोर्ट स्पोर्ट्स तक।